नीट परीक्षा में हुई कथित धांधलीबाजी को लेकर लगातार देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के स्टूडेंट विंग्स भी दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा को वापस लेने के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। खैर, अब देखना होगा कि विरोध प्रदर्शन का क्या नतीजा निकलता है। दिल्ली से शुभ सेठ की रिपोर्ट। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर इंडिया गठबंधन के तमाम छात्र आज जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे जो इंडिया गठबंधन की स्टूडेंट इकाई है वो यहाँ पर आज नीट परीक्षा में धांधली को लेके जो यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। और दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो हजारों की तादाद में यहाँ पे जो इंडिया गठबंधन की इकाई से हजारों छात्र यहाँ पे मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ये यहाँ पे एग्जाम को लेके जिस तरह से धांधली उसको लेके ये लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद से बात करेंगे। क्या नाम है? सलमान अब्बासी है, मैं गाजियाबाद से हूँ। जो इन्होंने पेपर लीक करा है तो हम ये चाहते हैं कि ये पेपर दोबारा हों और इसके जो जिनने लीक करे हैं उन्हें गिरफ्तार करा जाए। एग्जाम की आप मांग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी फैसला इस पे आने वाला है, आज इस पे फैसला सुनाया जाएगा। क्या लगता है फैसला पक्ष में होगा इनका? फैसला ये कहना मैं अपने पक्ष में ही लेते हैं, हमारे पक्ष में कोई चीज नहीं आती। इनके और भी फैसले हैं जो आज तक पूरे नहीं हो पाए, तो हम कैसे यकीन मान लें कि ये हमारे वादों पे खड़े उतरेंगे? तो हमारे वादे पे कभी खड़े नहीं उतरते ये लोग झूठी सरकार है, झूठे वादे कर ये इस तरीके का काम कर देते हैं कि क्या नाम है, हमें जो आज रोड पे है वो इसी वजह से है कि नौजवानों का पेपर लीक करा है, जो पुलिस का पेपर लेकर लीक करा है, सब कुछ लीक करा है। से बात करेंगे, यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से नीट और नेट के पेपर में धांधली को लेकर जो ये लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। क्या कहना चाहेंगे कि नीट पर धांधली? मध्य प्रदेश आया हुआ हूँ। जिस प्रकार जो नीट का पेपर और पूरे देश देख रहा है, इसी प्रकार मध्य प्रदेश तो घोटालों में नंबर वन है। व्यापम घोटाला जो है वो सबसे बड़ा छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। पटवारी घोटाला, नर्सिंग घोटाला, आप जिस तरीके से एक घर की बुनियाद से ही घर मजबूत बनता है, उसी प्रकार देश की नींव युवा है। और युवा को किस तरीके से छात्रों को और युवाओं को जिस सरकार ठगने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से यह तय है कि मोदी सरकार छात्रों के मामले में टोटल विफल सरकार है। और ये सरकार न सिर्फ देश की नींव को कमजोर कर रही है बल्कि पूरे देश को कमजोर कर रही है। लगता है कि एक स्टूडेंट जो है सालों तक मेहनत करता है और एक दिन उसकी मेहनत किस तरह से पानी फिर जाता है? अब इस देश के लगभग युवाओं के मन में एक भावना उत्पन्न होती जा रही है कि जिस तरीके से बिरला जी की बेटियां मॉडलिंग करने के बाद आईएएस बन जाती हैं और एक छात्र बेचारा बचपन से जो तैयारी करता है, गरीबी में पढ़ता है, वो अपने पेपर देने जाता है और देखता है कि सिलेक्ट कोई दूसरे लोग हो गए। पूरे के पूरे बीजेपी इसमें इन्वॉल्व है। ये नीट का एग्जाम दोबारा से होना चाहिए और शिक्षा का स्तर जिस तरीके से देश में गिर रहा है, इससे जो निश्चित रूप से जो तय हो रहा है कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में मोदी सरकार छात्रों के मामले में विफल है। आज सुप्रीम कोर्ट पे नीट पे जो है फैसला आने वाला है, क्या लगता है ये फैसला पक्ष में होगा स्टूडेंट के? हमें सरकार पे पूरा विश्वास, हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है। सरकार कितना भी कुछ भी कर ले, 100% इस बार ये फैसला छात्रों के हित में जाएगा। कुछ लोग मौजूद है जो हाथों में यूथ कांग्रेस का फ्लैग लिया, समाजवादी पार्टी के जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्लैग लिए खड़े हुए, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोग जो हाथों में तख्तियां लिए जिसके ऊपर लिखा है छात्रों को घोटाला नहीं न्याय चाहिए, इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मनोज सिंह गुर्जर। क्या कहना चाहेंगे नीट परीक्षा में धांधली को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जो पढ़ने वाले छात्र हैं और गरीब छात्र हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। जो पैसे दे देते हैं उनके लिए पेपर आ जाता है और वो पास हो जाते हैं अच्छे नंबरों से। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पे फैसला आएगा तो क्या छात्रों के पक्ष में होगा फैसला? होना तो छात्रों के पक्ष में ही चाहिए, लेकिन आगे पता नहीं है क्या होगा। बात करने के लिए जैसा कि यहाँ पे मौजूद हम स्टूडेंट से बात कर रहे थे कि जिस तरह से नीट परीक्षा में धांधली को लेके वो लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर, उनका साफ तौर पे कहना है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट पे इसका फैसला आएगा तो सरकारी कानून पे पूरा व्यवस्था है, क्या कुछ फैसला इस पे आएगा? नीट परीक्षा में धांधली को लेके जो तमाम इंडिया गठबंधन के छात्र है वो इस वक्त जनता में प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस पे हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी मौजूद। सर, क्या कहना चाहेंगे नीट परीक्षा में धांधली को लेके? आप लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन
जब तक री एग्जाम नहीं होगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा और एनटीए चेयरमैन प्रदीप जोशी का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पर इस पे आज फैसला आने वाला है, क्या लगता है फैसला साबित होगा? आपको विश्वास है सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम लोगों के फेवर में आएगा, जो भी आए हम उसको स्वीकार करेंगे और आगे लड़ाई जारी रखेंगे। यहाँ पे बात कर रहे थे यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष है बीबीसी विवाद से, एमके न्यूज के लिए दिल्ली से सुख सेठ।